हाय दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप सबका हिंदी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हो गया है। अब बारी है ग्लोबलाइजेशन की, थर्ड ईयर के बच्चों की, जो कि एग्जाम आपका 28 अप्रैल को है 2019 की। और मुझे इस पर बहुत कमेंट आया कि सर आप क्वेश्चंस के साथ आंसर्स की वीडियो भी लेकर आओ, क्योंकि एक वीडियो मेरी पहले भी आ चुकी है इसके ऊपर, जिसमें मैंने ग्लोबलाइजेशन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। लेकिन आज की वीडियो में आपको उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा, यानी कि आपका पूरा कोर्स आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन को एग्जाम के लिए करके जाते हैं तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा आज, तो आप उन क्वेश्चंस को करके आप उसमें से इजीली पास हो सकते हैं। देखिए, आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपके एग्जाम के लिए, जो आप स्टडी कर रहे हैं उसको करते रहिए, साथ साथ इन क्वेश्चंस की आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं परिचय कि वैश्वीकरण होता क्या है। जब एक देश अपनी देश की सीमाओं में ना रहकर देश के बाहर जाकर व्यापार करता है तो उसी को वैश्वीकरण कहते हैं, यानी कि जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है सरल भाषा में। ठीक है, अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में आंसर लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक तौर पर। देखिए, जब एक विकसित देश यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री जब डेवलपिंग कंट्रीज में आकर इन्वेस्टमेंट करती है तो डेवलपिंग कंट्रीज को उससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। यानी कि जब एक विकसित देश विकासशील देश में आकर इन्वेस्टमेंट करती है, पैसा लगाती है, तो विकासशील देश की आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है, क्योंकि उस देश में इन्वेस्टमेंट होती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं और सरकार को भी उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि जब एक देश में कंपनी लगाई जाती है तो सरकार उस पर कई तरीके के टैक्सेस भी लगाती है, तो सरकार को भी इसका बहुत बड़ा फायदा कहीं ना कहीं पहुंचता है और जिस देश ने पैसा लगाया होता है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। इसमें राजनीतिक तौर पर सरकार को बहुत बड़ा फायदा पहुँचता है और जिस देश में कंपनीज खुलती है यानी कि जिस विकासशील देश में कंपनीज की इन्वेस्टमेंट होती है उस देश का जो विकास होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। क्योंकि जब एक कंपनी आती है तो अपने साथ मशीन्स भी लेके आती है, एक एडवांस मशीन्स लेके आती है, तो कहीं ना कहीं उस देश का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब बात करते हैं आर्थिक तौर पर क्या फ़ायदा होता है। देखिए, मान लीजिए एक गरीब कंट्री है और यूएसए ने आकर उसमें इन्वेस्टमेंट की तो उस गरीब कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, क्योंकि उस देश में ऑब्वियसली पता है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी। तो जब एक यूएसए की कंपनी आकर उसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उससे क्या होता है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, जो वहाँ का रहन सहन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आता है, जो वहाँ उस कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन्हें अच्छा पैसा मिलता है, वहाँ के लोग अच्छे से सीखते हैं कि क्या क्या काम हमें करना है, नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सरकार उस पर बहुत तरह के टैक्सेस लगाती है, तो आर्थिक तौर पर आपको इससे बहुत फायदा होता है। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा फायदा विकासशील देशों को ही है, क्योंकि उन देशों में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। देखिए, अब बात करते हैं सांस्कृतिक तौर पर। आज हम लोग जीन्स शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, धोती और कुर्ता नहीं पहनते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, बहुत सी कंपनीज यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं, उससे क्या हुआ है हमारा जो रहन सहन है बाहर की कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग हो गया है। अगर आज हम लोग धोती कुर्ता पहन कर एक कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आज हम लोग शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ना कि कुर्ता पहनते हैं। तो सांस्कृतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ा है, यानी कि जो भारतीय जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है, तो इससे क्या हुआ वैश्वीकरण का सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर बात करें
खाने पीने की, तो आज हम लोग नूडल्स खाते हैं, मोमोज खाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये सब चीज़ें कहाँ की है? जो हमारी जो कंट्री है इस समय इंडिया, वो सभी जो चीज़ें हैं वो बाहर की कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो अपना रही हैं। यानी कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक तौर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब बात करते हैं कि जो लोग इसके पक्ष में हैं उनका क्या कहना है वैश्वीकरण के तौर पर। देखिए, उन लोगों का कहना यह है कि वैश्वीकरण का विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा फायदा है। यानी कि जो लोग अभी विकास करना चाहते हैं अपने देश का, उनके लिए वैश्वीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपकी जो कंट्री है वो कॉम्पिटिशन में आती है, अन्य देशों के साथ व्यापार करती है, तो उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो विकास होता है देश का वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, ठीक है। और जो लोग इसके विपक्ष में, यानी कि जो लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण सही नहीं है, उनका मानना ये है कि जो उन्होंने गाइडेंस बनाई है, जो वैश्वीकरण अपनाया गया है, उससे सिर्फ विकसित देशों का ही फायदा है। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है सिर्फ उनका ही फायदा है, जो लोग जो कंट्रीज़ अभी डेवलप्ड हो रही हैं उनका फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे देश पर, हमारी राजनीति पर, हमारा आर्थिक तौर पर, हमारे सांस्कृतिक तौर पर। तो ये था हमारा वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी करो, जिसको हम WTO भी कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गेट क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी 1947 में की गई थी, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आपकी 1995 में की गई, ठीक है। और आपकी इसकी स्थापना, गेट की स्थापना आपकी 1947 में की गई, ठीक है। अब जानते हैं कि ये है क्या, सबसे पहले ये किस लिए बनाया गया, हम ये जानते हैं। देखिए, जो हम वैश्वीकरण करते हैं, जब दो देश वैश्वीकरण करते हैं, जब वो लोग आदान प्रदान करते हैं, अपने देश में व्यापार करते हैं, तो उन्हें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या उन्हें टैक्सेस पे करने, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है, क्या क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी है, ये सब चीज़ें हमने WTO बताता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की हमें किस तरीके से व्यापार करना है, किस चीज़ों की गाइडलाइंस का हमें ध्यान रखते हुए अपना व्यापार करना है, ये सभी के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं कि जो लोग जो अभी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको इसका पालन नहीं करना, जो भी सदस्य इसके हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सबको इसका पालन करना पड़ेगा, चाहे वो अभी विकासशील देश हों या वो फिर चाहे विकसित देश हों। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिद्धांत की, कि ये क्या क्या कहता है, किस किस तरीके से इसमें हमें काम करना होता है। सबसे पहले अति प्रिय रास्ते, यानी WTO के अंदर मान लीजिए USA है, ठीक है, वो लोग वैश्वीकरण कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि USA ने एक कंपनी ओपन करनी है इंडिया में, ठीक है, और एक कंपनी ओपन करनी है जर्मनी में, ठीक है। तो इंडिया में जो कंपनी ओपन होगी, जो टैक्सेस उस पर लगाए जाएंगे और जो गुड्स वो प्रोवाइड करेंगे USA वाले इंडिया में, वही सेम चीज़ उन्हें जर्मनी को भी प्रोवाइड करनी होगी। यानी कि आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आप भेदभाव करते हैं, यानी कि जो गुड्स का प्राइस आप इंडिया को लगा रहे हैं, वही सामान का प्राइस आपको जर्मनी को भी लगाना पड़ेगा। यानी कि आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे आपकी दोस्ती कितनी भी गहरी ना हो आपस के देशों में। यानी कि मान लीजिए अगर जो प्रधानमंत्री है US का, अमेरिका का, ट्रम्प, वो चाहे तो मोदी के साथ चाहे तो वैश्वीकरण कर सकता है, व्यापार कर सकता है, लेकिन जो टैक्सेस वो इंडिया को लगा रहा है, वही टैक्सेस उसको जर्मनी पर भी लगाने पड़ेंगे। यानी कि वो किसी भी तरीके से भेदभाव कहीं पे भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया कि अति प्रिय राष्ट्र का मतलब, यानी कि आप किसी एक कंट्री को छूट नहीं दे सकते कि आपको मैं इतने टैक्सेस लगाऊंगा और आपको इतने टैक्सेस नहीं लगाऊंगा, या आपको ये सामान इतने का लगाऊंगा और दूसरे कंट्री को ये सामान मैं महंगा लगाऊंगा। अब बात करते हैं मुक्त व्यापार की। WTO ने मुक्त व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, यानी कि जो मतलब टैक्सेस, जो गाइडलाइंस,
जो प्रतिबंध थे पहले, कहते हैं वैश्वीकरण को करने पर जो बिजनेस करने पर, वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। यानी कि जो पहले काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ की कि आपको ये करना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, बाहर कंट्री में जाकर ये करना पड़ेगा, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें हटा दी गई हैं। आप इजीली किसी भी कंट्री में जाकर बिजनेस कर सकते हैं और कोई भी कंट्री बाहर की आकर आपके देश में बिजनेस कर सकती है। इसका WTO का हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार को, वैश्वीकरण को और ज़्यादा आसान बना दिया है। अब बात करते हैं विकास की और आर्थिक सुधार की, ठीक है। WTO का सबसे जो मेन मोटिव है वो है विकास, यानी कि और WTO सबसे ज़्यादा फायदेमंद विकासशील देशों के लिए है। वो भी चाहता है कि विकासशील देश उसकी गाइडलाइंस को अपनाकर अपने देश का विकास अच्छे तरीके से करें, लेकिन WTO की जो गाइडलाइंस है उनका फ़ायदा उनको तभी पहुंच सकता है अगर विकासशील देश अपनी जो आर्थिक जो नियम है, जो उनकी गाइडलाइंस है अपने देश की, उसमें कुछ सुधार करें और WTO की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग चले, तभी विकासशील देशों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वह अपने देश का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये सभी गाइडलाइंस बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं, कौन कौन से देश होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के आपके 145 सदस्य हैं, 145 सदस्य इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। इन सभी की रजामंदी से गाइडेंस बनाई जाती है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि USA एक पावरफुल कंट्री है वो कहे कि मैं सबसे पावरफुल हूँ तो सभी गाइडेंस का जो निर्माण है वो सिर्फ मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी सदस्य हैं उन सब की सहानुभूति से इस संगठन का जो गाइडलाइंस जो बनेगी उसका निर्णय होगा। तो ये प्रक्रिया एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। मान लीजिए कोई एक गाइडलाइंस उन्हें तैयार करनी है, कोई उन्हें पॉलिसी तैयार करनी है, तो उसके लिए उन्हें सबकी सहानुभूति चाहिए। और मान लीजिए कोई एक ऐसा देश है वो अड़ गया कि मुझे इस पर अपनी राय नहीं देनी है और मुझे इसका समर्थन नहीं करना है, तो उस पर आर्थिक तौर पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका मोटिव क्या है, ये बनाया किस लिए गया। सबसे पहले कि जो कहते हैं रुकावटें आती हैं, जो हमें किस किस तरीके से काम करना है, किस किस तरीके से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, यानी कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो भेदभाव किए जा रहे हैं, यानी कि असमानता को दूर करने के लिए WTO का विकास किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इससे क्या हुआ कि सब देशों के साथ अब एक साथ व्यापार किया जा रहा है और एक साथ उनको फेस किया जा रहा है, यानी कि उनमें अब किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है विकासशील देशों को और साथ ही साथ विकसित देशों को, क्योंकि पहले क्या था, जो कहते हैं विकसित देश थे वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। अब क्या हुआ है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के आने के बाद उन सबको इस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है, जो इसकी गाइडलाइंस हैं, जो इसकी पॉलिसीज हैं, सबको उस तरीके से ही काम करना पड़ता है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, चाहे वो फिर डेवलप्ड कंट्रीज हो। तो ये था आपका क्वेश्चन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है और इसको क्यों बनाया गया। देखिए सबसे पहले बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें WTO और GATT में क्या डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले आपका बना GATT, जो कि 1947 में बना, ये आपका 1995 तक चला, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर WTO रख दिया गया, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। तो ये एक ही चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये संगठन सिर्फ एक लौता संगठन है जो वैश्वीकरण को एक दूसरे से जोड़ता है और किस किस तरीके से आपको काम करता है ये आपको बताता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। पार राष्ट्रीय निगम जिसको हम TNC तथा बहुराष्ट्रीय निगम जिसको हम MNC भी कहते हैं, ये क्या है, इन्होंने किस हद तक वैश्वीकरण को सिद्ध कर लिया है। आपको ये बता दें कि सबसे पहले TNC और बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है और इन्होंने किस हद तक वैश्वीकरण को सिद्ध कर लिया, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि इसका परिचय ये होता क्या है, TNC और MNC, ठीक है। MNC कंपनी वो होती है जो कि मान लीजिए
आपकी यूएसए में एक कंपनी है और यूएसए की कंपनी चाहती है कि मैं अन्य देशों में जाकर इसकी ब्रांचेस ओपन करूं, तो जब वो ब्रांचेस किसी अन्य देश में ओपन होती है तो उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, उसी को एमएनसी कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी जिसको हम बोलते हैं उसी को कहा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे बड़े पैमाने पर जिस देश में इसकी शाखा खुलती है, जिसकी ब्रांच खुलती है, बड़े पैमाने पर उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है और विकासशील देशों को इसका बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। वैश्वीकरण का सबसे ज़्यादा जो सिद्ध किया है वो एमएनसी के कारण ही हो पाया है। वैश्वीकरण जो आज इतना ज़्यादा पावरफुल सक्सेसफुल हुआ है उसका रीज़न यही है कि टीएनसी और एमएनसी ने इसको बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा लाभदायक बना दिया है। ठीक है, अब हर विकासशील देश चाहते हैं कि हमारे देश में एमएनसी कंपनीज ओपन हो। अगर बात करें हमारे इंडिया की तो इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका परिचय कि ये होता क्या है। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, एमएनसी और टीएनसी की क्या क्या विशेषताएँ आपकी रहती हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत बड़े पैमाने पर विकासशील देश में जब अपनी शाखा खोलती है तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। उससे क्या होता है कि लोगों को नौकरियां मिलती हैं बड़े पैमाने पर और देश का विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, क्योंकि वो कंपनी जब अपना डेवलप करेगी तो साथ साथ उस देश का भी नाम रोशन होता है जिस देश में ये कंपनी होती है, कि हाँ भाई ये कंपनी इस देश में है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ये कंपनी इस रैंक पे काम कर रही है, इस लेवल पे काम कर रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है एमएनसी कंपनीज को और जिस देश में ये कंपनीज ओपन होती हैं। अब बात करते हैं कि तकनीकी योगदान किस हद तक इसका रहता है। देखिए, जब एक एमएनसी कंपनी लगती है विकासशील देश में तो वो अपना तकनीकी सामान भी साथ लेकर आती है, कि यानी उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं, क्या किन किन चीज़ों के साथ साथ उनको एमएनसी कंपनी ओपन करनी है। तो इससे क्या होता है, जो विकासशील देश होते हैं वो बहुत कुछ उससे सीखते हैं और जो एम्प्लॉयज़ उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको भी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है कहते हैं, और आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, बहुत चीज़ें आपको बड़े पैमाने पर प्रोवाइड की जाती हैं एमएनसी कंपनी में। तो वैश्वीकरण को कहीं ना कहीं जो सिद्ध किया है वो सबसे ज़्यादा एमएनसी कंपनी ने ही किया है। अब बात करते हैं बड़े पैमाने पर नौकरी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बड़े पैमाने पर आपको नौकरियां मिलती हैं, क्योंकि मान लीजिए एक गरीब देश है और वहां पर भुखमरी है, वहां पर नौकरियां नहीं है, तो मान लीजिए एक यूएसए ने प्लान किया कि हाँ भाई इस देश में जाकर हम अपनी एक कंपनी लगाएंगे, एक शाखा लगाएंगे, ताकि हमारा नाम हो कि इस देश में भी हमारी कंपनी है, हमारी शाखा है। तो उससे क्या होगा, उस गरीब देश का विकास होगा और वहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, अच्छे पैमाने पर सैलरी मिलेगी, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, उस देश का बहुत अच्छे तरीके से आर्थिक तौर पर भी उस देश को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एक कंपनी खुलती है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गुड्स के लिए प्रोवाइड करने के लिए, और जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनका भी मानसिक तौर पर अच्छे से और अच्छी तरह वो लोग सीख सकते हैं कि कैसे कैसे काम करना है, तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक तौर पर बहुत बड़ा विकास भी होता है। तो एमएनसी कंपनी ने जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण को बहुत बड़े पैमाने पर सिद्ध कर लिया है और इसका फ़ायदा हमें आने वाले टाइम पर और ज़्यादा हो जाएगा। हमारे इंडिया में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खुल चुकी हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एमएनसी ने वैश्वीकरण को बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर दिया है और उससे क्या हुआ है, वैश्वीकरण आसान भी हो गया और लोगों को यहाँ पर काम करने का मज़ा भी आता है और यहाँ पर काम अच्छे पैमाने पर लोग कर रहे हैं। तो यही था आपका ये वैश्वीकरण वाला ये क्वेश्चन कि एमएनसी क्या है और टीएनसी क्या है और किस हद तक वैश्वीकरण ने इसको सिद्ध कर लिया है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसे कहते हैं, यानी कि FDI किसे कहते हैं। इसके गुण व दोष पर चर्चा करते हुए यह बताएं कि भारत जैसे विकासशील देश में ये आवश्यक क्यों है। सबसे पहले आपको बता दूं कि FDI का मतलब होता है
फंड्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय के बारे में कि ये होता क्या है और किस किस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है और किस किस तरीके से काम करता है। देखिए, जब एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी अन्य देश में इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी के द्वारा, तो उसी को FDI कहा जाता है, उसी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक एप्पल की कंपनी है, ठीक है, उसको किसी और देश में निवेश करना है, तो वो जो निवेश करेगी उसी को फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका परिचय, और अब बात करते हैं कि किस किस तरीके से ये काम करते हैं। देखिए, जब एक विकसित देश किसी विकासशील देश में ये फंड FDI करता है, तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है एक विकासशील देश को, उसकी अर्थव्यवस्था को। अब कुछ इसको पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले FDI के गुण व लाभ बताएं। देखिए, FDI के गुण यही हैं कि जब एक विकासशील देश में इन्वेस्टमेंट होती है तो उस देश का बहुत ज़्यादा फायदा होता है आर्थिक तौर पर, सरकार को फायदा पहुँचता है, सरकार उस पर अनेक तरह के कर लगाकर, उस पर टैक्सेस लगा के बहुत सा पैसा अर्न करती है, सरकार की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आती है, उस देश का, उस विकासशील देश का बहुत अच्छे तरीके से विकास होता है, उस विकासशील देश में जो तकनीकी योगदान होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा उसको मिलता है। FDI का ये फ़ायदा है। FDI आप किस किस तरीके से कर सकते हैं, आप किसी कंपनी के शेयर कर FDI फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ उसमें कंपनी लगानी है, और भी कई तरीके हैं FDI को निवेश करने के लिए, ठीक है। तो इसके गुण यही है कि जब एक विकसित देश, सरल भाषा में जब एक विकसित देश जब एक विकासशील देश में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसी को FDI कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लाभ बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब इन्वेस्टमेंट होती है, एक कंपनी खुलती है विकासशील देश में, तो वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, अर्थव्यवस्था में फ़र्क आता है, सांस्कृतिक तौर पर फ़र्क आता है, लोगों के रहन सहन, लोगों के बोलचाल, लोगों के बातचीत करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से विकासशील देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। अब बात करते हैं इसके दोष क्या क्या है। इससे क्या होता है, जो स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और विकासशील देश में वही कंपनी सेम उस चीज़ की है, मतलब उसके कॉम्पिटिशन की, तो उस कॉम्पिटिशन की जो कंपनी है, जो ऑलरेडी स्थायी कंपनी है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँचता है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक उच्च पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करती हैं, चाहे वो तकनीकी विकास हो या कंपनी की इन्वेस्टमेंट हो, कंपनी को किस तरीके से बनाना है, कैसे काम करना है, तो उसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो स्थायी कंपनी होती है विकासशील देश में वो एक पूरी सुरे लेवल पे होती है, यानी कि एक नॉर्मल सी एक कंपनी होती है, तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। अब बात करते हैं राजनीतिक तौर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी पर सरकार का बहुत कम नियंत्रण होता है, उसका कोई खास नियंत्रण सरकार के ऊपर नहीं होता है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी तरफ से काम करती है, अपने मर्जी से काम करती है, वो किसी भी दबाव में काम नहीं करती। बहुराष्ट्रीय कंपनी के आने से जो विकासशील देश हैं उनको दब कर रहना पड़ता है, यानी कि वो जैसे बोलते हैं उनको उनके तरीके से ही काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके दोष। अब बात करते हैं इसके निर्धारित पक्ष क्या क्या है। देखिए, ये कंपनी किन किन देशों में सबसे ज़्यादा अधिक निवेश करती हैं। जिस देश की आर्थिक व्यवस्था कम हो, यानी कि जहाँ पे कहते हैं आर्थिक व्यवस्था कम हो, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात, जिस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा, उसमें कंपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने जो गुड्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, वो और ज़्यादा सप्लाई कर अपनी कंपनी का नाम ऊपर करेगी, ठीक है, उससे ये फ़ायदा होता है कंपनी को। और जिस देश में आपके बहुत ज़्यादा प्रतिबंध, बहुत ज़्यादा मतलब बाधाएँ होती हैं कंपनी ओपन करने के लिए, वहाँ पर FDI इन्वेस्टमेंट नहीं करती,
यानी कि जिनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ पर FDI इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, यानी कि वो देश उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उसे फंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। यानी कि अगर आपको देश में, अपने देश में FDI इन्वेस्टमेंट करवाना है तो आपको उन कुन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपके देश की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी पॉपुलेशन हो, ताकि उससे क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर एक बड़े पैमाने पर कंपनी खोल सकती है और उस विकासशील देश को नौकरियां भी प्रोवाइड करेगी और अच्छे पैमाने पर विकासशील देश का विकास भी होगा। ठीक है, तो यही था आपका ये FDI वाला क्वेश्चन कि आपको देखिए इसके विकासशील देश यानी कि भारत जैसे विकासशील देश में FDI बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि इससे क्या हुआ, बहुत ही MNC कंपनीज ने आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है और हमारे देश को एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा इसका कहीं ना कहीं पहुँचा है। तो इसका नुकसान भी है और कहीं ना कहीं फ़ायदा है, लेकिन ये हमारे देश के लिए, हमारे भारत जैसे विकासशील देश के लिए FDI बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ भी है। तो ये था आपका FDI वाला क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैश्वीकरण और कृषि व कृषकों के आपसी संबंधों को स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार भी इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ कृषि व कृषकों या आपको कोई और भी टॉपिक दिया जा सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकासशील विकसित देशों में कृषि की क्या व्यवस्था है। देखिए विकसित देशों में वहाँ पे जो कहते हैं लोग कृषि करते हैं वो सिर्फ 2.3% लोग ही कृषि करते हैं, बाकी जो सभी लोग हैं वो जॉब्स वाले बंदे ही हैं। इसके बाद वहाँ पे उच्च कोटि के बीज, सिंचाई, खाद यूज़ की जाती है, उससे क्या होता है जो कृषि होती है वो बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है और काफ़ी अच्छी कृषि हो जाती है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात, वहाँ की जो खेत हैं वो बहुत ही बड़े बड़े हैं और बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है। सबसे जो मेन बात है ये है तकनीकी योगदान, वहाँ पे जो कहते हैं सिंचाई करनी है या कुछ खाद काटनी है तो उसके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मशीनें और तकनीकी योगदान की वजह से वहाँ की जो कृषि होती है विकसित देशों में वो बहुत ही बड़े पैमाने पर और अच्छे लेवल पर की जाती है एज़ कम्पेयर टू विकासशील देशों में, क्योंकि विकासशील देशों में भी हम आएंगे अभी। अब हम बात कर रहे हैं विकसित देशों पे, तो विकसित देशों में हमें बहुत अच्छी कृषि देखने को मिलती है, अच्छे फल फूल देखने को मिलते हैं, उसकी वजह यही है उच्च कोटि के बीज यूज़ किए जाते हैं, खाद यूज़ की जाती है, मशीनें यूज़ की जाती हैं कृषि के लिए, तो उससे क्या होता है अच्छे लेवल पर कृषि हो जाती है। और हालांकि जो वहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ 2.3% ही लोग वहाँ पर कृषि करते हैं। अब बात करते हैं विकासशील देशों की कृषि व्यवस्था किस तरीके से है। हमारे देश में 50% लोग कृषि करते हैं और बाकी अन्य जॉब्स वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो कृषि है वो इतनी अच्छे लेवल पर क्यों नहीं है। उसके सबसे जो मेन रीज़न है मशीनीकरण की कमी, तकनीकी योगदान की कमी, यानी कि मशीनों की कमी की वजह से यहाँ पर इतनी अच्छे लेवल पर कृषि नहीं हो पाती है। उच्च कोटि के बीज खाद की कमी होने की वजह से यहाँ पे कृषि नहीं हो पाती है, यहाँ पर लोगों को कृषि करने का इतनी अच्छी ज्ञान नहीं है। हालांकि जो बाहर की जो लोग कृषि करते हैं वो लोग प्रॉपर कोर्स करते हैं, वहाँ पर इसके प्रॉपर कोर्सेज करवाए जाते हैं कि आपको किस किस तरीके से कृषि करनी है। वहाँ के जो युवा हैं वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान अपना देते हैं। और यहाँ क्या होता है विकासशील देशों में क्या होता है, लोग आज के जो युवा हैं वो कृषि की ओर बिल्कुल नहीं जाते, वो कहते हैं कि कृषि तो कुछ भी नहीं है, इससे कुछ भी हमारा नहीं होगा आने वाले टाइम पे। तो इससे क्या होता है जो कृषि है, जो लोग कृषि करते हैं उनको कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी करने का अभाव रहता है, किस तरीके से खेतीबाड़ी करनी है, कौन सी मशीन यूज़ करनी है, कौन से उच्च कोटि के जो बीज हैं वो यूज़ करने, कौन सी खाद यूज़ करनी है, तो उससे क्या होता है उनकी जो कृषि होती है वो कम लेवल पर हो पाती है, यानी कि जो उत्पादन होता है वो कम लेवल पर हो पाता है। अब बात करते हैं कि वैश्वीकरण का इससे क्या प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण का इससे ये प्रभाव पड़ा है कि हमारे देश में जो कृषि होती है वो अब हम बाहर के देशों में भी सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं,
यानी कि जो उच्च कोटि के बीज हैं अगर वो किसी अच्छे देश से हमें मिल जाए तो वहाँ से लाकर हम अपने देश में कृषि करके उसी उत्पादन को बाहर किसी और कंट्री में अच्छे प्राइस पे बेच सकते हैं। इससे क्या हुआ कि जो लोग कृषि करते हैं उनको बहुत अच्छा मूल्य मिलता है कृषि का, हालांकि वो अगर इंडिया में ही अपनी कहते हैं खेती बाड़ी जो कहते हैं बीज हैं उसी को सेल करेंगे या गेहूं को आगे बेचेंगे तो उन्हें इतना अच्छा दाम नहीं मिलेगा। अगर वो बाहर के देशों में कहते हैं गेहूं बेचेंगे या कुछ और बेचेंगे तो उन्हें अच्छा उसका मूल्य मिलेगा, यानी कि उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो वैश्वीकरण के प्रभाव से जो खासकर जो विकासशील देश हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर फ़ायदा पहुंचा है और कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस पर काफ़ी कम कर दिए, यानी कि जो टैक्सेस हैं इस पर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। जो खेती बाड़ी के जो भी उत्पादन जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए कि ताकि जो लोग कृषि करते हैं उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो लोग कृषि करते रहें और जो लोग अभी विकासशील देशों में कृषि कर रहे हैं उन्हें अच्छा मूल्य मिल सके। पहले क्या था कि जो लोग कृषि करते थे वो सिर्फ अपने ही देश में उसे सप्लाई करते थे अपने प्रोडक्ट्स को गुड्स को, लेकिन अब वही गुड्स वो लोग किसी दूसरी कंट्रीज़ में भी जाकर सप्लाई कर सकते हैं। तो वैश्वीकरण का योगदान हर किसी चीज़ में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। वैश्वीकरण के बिना आज हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी की आने की वजह से आज वैश्वीकरण पॉसिबल हो पाया है। इसका प्रभाव कृषि व कृषकों पर भी बहुत ही बड़े पैमाने पर पहुंचा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है और विकसित देशों में कृषि किस प्रकार की जाती है और विकासशील देशों में किस प्रकार की जाती है, और अब वैश्वीकरण के आने से जो विकासशील देशों के जो कहते हैं कृषि होती है जो बीज होते हैं वो अब हम अच्छे लेवल पर हमें मिलने शुरू हो गए हैं और हमें उसका अच्छा मूल्य भी मिलना शुरू हो गया है। हालांकि अब जो विकसित देश है वो भी हमारे देश में आकर खेती बाड़ी कर रहे हैं और हमारे देश के जो गुड्स हैं वो परचेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो गाइस ये थे आपके वो सभी क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपके इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं इस लेवल पर आपको नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बस समझ जाइए। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। एक और वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं लाने की कोशिश करूँगा जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके और एड ऑन करूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को इतना प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।